प्रशांत महासागर में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनने जा रहा है। अरबों रुपए की लागत से बनने वाले इस शहर का नक्शा बनकर तैयार हो चुका है। वहीं अब 2019 से इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। दुनिया का यह पहला तैरता हुआ शहर ताहिती द्वीप के नजदीक प्रशांत महासागर में बसेगा। 1135 करोड़ रुपए की लागत वाले इस शहर का नक्शा तैयार करने में 5 साल लगे हैं, जिसके बाद 2019 से इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। तैरते शहर को लेकर फ्रांस की पोलिनेशिया सरकार और सिस्टेडिंग इंस्टीट्यूट के बीच सौदा हुआ है। इस अनूठी योजना के तहत शहर में 2020 तक करीब 300 लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी और 2050 तक यहां लाखों लोग रहने लगेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में बसने वाले शहर अर्ध स्वतंत्र होंगे। तैरते हुए शहर की खासियत पर जाएं तो यह शहर 11 आयताकार और पंचमुखी प्लेटफॉर्म पर बसाया जाएगा, ताकि शहर को उसके निवासियों की जरूरत के हिसाब से बसाया जा सके। इंजीनियरिंग फर्म डेल्टा साइनिक के मुताबिक वर्गाकार और पंचभुजीय प्लेटफॉर्म 164 फीट लंबे होंगे। इनके कोने भी 164 फीट लंबे रहेंगे। यह प्लेटफॉर्म मजबूत कंक्रीट के बनाए जाएंगे, ताकि इन पर 3 मंजिला इमारत जैसे अपार्टमेंट, छत, ऑफिस और होटल अगले 100 सालों के लिए बनाए जा सके। इस शहर में खेती से लेकर स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा और टिकाऊ वाले बिजली घर पूरी तरह से उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि फ्रेंच पोलिनेशिया दक्षिणी प्रशांत महासागर में 118 द्वीपों का समूह है। इन द्वीपों को समुद्री जल स्तर बढ़ने से खतरा है। इन द्वीपों की सरकार ने नए शहर के निर्माण के लिए निर्माण कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सौदे के तहत परियोजना को पर्यावरण संबंधी हरी झंडी मिलनी जरूरी होगी और साथ ही इस शहर के लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मदद करने और पर्यावरण अनुकूल होना चाहिए। एक वक्त था जब महासागर में शहर बसाना मनुष्य के कल्पना से परे था, लेकिन आज के दौर में तैरते शहर की कल्पना करना और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशिशें करना दुनिया में किसी मिसाल से कम नहीं है। देखते रहिए डीबी लाइव।